जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख की गोली मारकर हत्या करने के विरोध में हुआ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव पर गोली मारने वालों को एनकाउंटर में ढेर करने की उठी मांग। विवेकानंद चौराहे पर करणी सेना, राजपूत समाज और अन्य संगठनों के सदस्यों ने किया जोरदार प्रदर्शन। धोखा मेडी जी की दिन दहाड़े दोपहर के समय अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी पूर्व गोली मार। हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह गोगामणि जी की जो कल जो नृशंस हत्या करी गई कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा, उसके विरोध में ये धरना था। क्योंकि वो उनका जो व्यक्तित्व था ना, वो कभी भी एक किसी जाति धर्म को लेकर चले नहीं। उनका हमेशा से ये था कि 36 कौम मेरी, उन कौमों के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। और उसके बाद में कुछ कौम के लोग अपना कौमी एक दुश्मनी दिखाते हुए और लाते हैं कि हम इनने हमारे कौम के खिलाफ जो भी करा उसका हम इस तरीके से किसी की भी नृशंस हत्या कर सकते हैं। तो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं भाई साहब, वो जो व्यक्ति गया वो एक राजपूत नहीं गया, वो हमारा हिंदू शेर गया। और पूरा हिंदू पूरे देश में कहीं भी एकजुट हो सकता है, लेकिन चूंकि प्रतिनिधित्व राजपूत कर रहा है तो हम अभी शांतिपूर्ण हमने एक धरना दिया यहाँ पे, जिसके ज़रिए हमने एक आग्रह किया प्रशासन से कि भाई आप अपनी तरफ से जो भी एक अच्छे बड़े कदम हो सकते हैं उन बड़े कदमों को उठाइए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करते हुए कोशिश करिए कि उनका एनकाउंटर करिए सीधा। क्योंकि आप ऐसी गैंगों को पालते जा रहे हैं दिन पे दिन, वो पालना बंद कीजिए। आप तो डायरेक्ट एनकाउंटर करिए उनका, ताकि एक मैसेज जाए। और इस तरीके से किसी भी जाति धर्म के जो नेता होते हैं उन लोगों की हत्याएं बंद हो। क्योंकि ऐसी आप ये देखिए लगातार ये चौथी हत्या है एक बड़े जनप्रतिनिधि की। इसके हमारे उसमें धरना प्रदर्शन था, और धरना आपने खुद देखा, कोई जरूरी वाहन ना रोके हमने, ना कल रात में हाईवे पर रोके हमने, ना आज रोके। आज भी आपके एम्बुलेंस, बच्चों के स्कूली वाहन सब हमने निकलने दिए। अभी जो कल जयपुर में एक दुखद घटना हुई है, राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव दादाजी को जो जिस तरीके से आरोपियों ने गोली मारकर हत्या की है, और सहायक है उनके जो संगठन है, उनके जो समाज है और उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति उनके उसमें घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश था। और उसी बात को लेकर आज करणी सेना द्वारा विदिशा में अपने विवेकानंद चौराहे के पास में रोड पे जाम किया गया, और उसके बाद ज्ञापन का कार्यक्रम था उनका, जो ज्ञापन दिया गया है। और उनका जो ज्ञापन और जो उनकी भावनाएं हैं वो समुचित स्थान पर